नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एम डी टू पब्लिकेशन तो फ्रेंड्स आज के शीडियो में बात करेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है उसके बारे में आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था और आपकी जो कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो पी और पीएम के लिए कट ऑफ है आगे का पूरा क्या प्रोसेस रहेगा बात करेंगे इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हैं जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री ने दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट टू अपीयर इन फिजिकल एंड एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट है प्रोविजन कंटेंट तो नॉर्मलाइजेशन इसमें अडॉप्ट किया है नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन सच नॉर्मलाइज मार्क बीन यूज फॉर प्रोसेसिंग द रिजल्ट और इसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज का टो बता रहा हूँ जिस भी कैंडिडेट के इससे ज़्यादा मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज उसको बुला लिया है कि लिए पी और पी के लिए और आगे फिर होगा क्या इनका पी ई के बाद टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होना है तो EWS में छियासठ दशमलव छः छः जिसके मार्क्स थे उसकी कॉल पीटी और पीएमटी के लिए आ गए टोटल अवेलेबल कैंडिडेट एक हज़ार चार है एस सी में सिक्सटी टू यानी कि बासठ दशमलव एक एक ग्यारह सौ इक्यासी कैंडिडेट अवेलेबल हैं एस में पचपन दशमलव छः आठ एक हज़ार इक्यासी कैंडिडेट ओ एच में अड़तीस दशमलव जीरो तीन तीन सौ चार कैंडिडेट ओ में छियासठ दशमलव चार आठ और चौबीस सौ उनहत्तर कैंडिडेट अवेलेबल हैं यू आर जनरल में इकहत्तर दशमलव एक आठ तैतालीस सौ अट्ठावन कैंडिडेट अवेलेबल हैं तो कुल मिलाकर दस हज़ार तीन सौ सतानवे कैंडिडेट को जो है फर्दर पी ई टी और पी एम टी के लिए बुलाया है इंक्लूडिंग एक हज़ार सत्ताईस ई डब्ल्यू एस दो सौ उन्यासी एस सी तिरपन एस टी वो पाँच ओ एच और दो हज़ार चौरासी जो ओ बी सी के कैंडिडेट हैं वो जनरल की कट ऑफ़ को उन्होंने क्वालिफ़ाई किया है ठीक है एक हज़ार सत्ताईस कैंडिडेट तो ई डब्ल्यू एस के ऐसे जिन्होंने जनरल की कट ऑफ को क्वालिफ़ाई कर दिया है और मेल ई एस एम की अगर मैं बात करूँ ये डब्ल्यू एस ई एस एम में तीस पे कट ऑफ है अवेलेबल कैंडिडेट इकतालीस एस सी की भी तीस पे अवेलेबल कैंडिडेट उनतालीस एस टी तीस पे कट ऑफ छः कैंडिडेट अवेलेबल ओ बी सी सैंतीस पे कट ऑफ दो सौ अस्सी अवेलेबल हैं जनरल की पैंतीस पे है चार सौ छियासी अवेलेबल हैं तो आठ सौ बावन टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ क्वालिफाई फॉर पी एंड पी एम टी ई डब्ल्यू एस की इक्यावन दशमलव पाँच सात पे कट्टो पाँच सौ इकसठ कैंडिडेट अवेलेबल एस सी की अड़तालीस दशमलव आठ चार छः सौ चालीस कैंडिडेट अवेलेबल हैं एस टी सैंतीस दशमलव नौ नौ दो छः सौ एक कैंडिडेट अवेलेबल है ओएच की तीस पे तीस कैंडिडेट अवेलेबल हैं ओ बी सी की तिरपन पे तेरह सौ छियालीस कैंडिडेट अवेलेबल हैं यू आर की साठ दशमलव आठ दो तेईस सौ कैंडिडेट अवेलेबल कुल मिलाकर पचपन सौ छप्पन कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल रहे हैं बोनस मार्क्स फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर एंड आर आर यू डिग्री डिप्लोमा होल्डर विल बी अवार्डेड इन द फाइनल रिजल्ट टू ओनली दोज हु आर एबल टू प्रोड्यूस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट द स्टेज ऑफ पी एंड पी तो जो एन की और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको वो पी और पी में जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो एलिजिबल होगा उनको फाइनल रिजल्ट में दिए जाएंगे द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग थर्टी टू कैंडिडेट हैप्ड विद हेल्ड इन कैंडिडेट का रिजल्ट विद हेल्ड कर लिया है और द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पी ई एंड पी एम टी विच विल भी कंडक्टेड बाय द डेली पुलिस द शेड्यूल ऑफ द पी ई टी एंड पी एम टी विल भी कम्युनिकेटेड बाय दिल्ली पुलिस इन ड्यू कोर्स बहुत जल्द आपको इसकी ऑफिशियल डेट भी देखने को मिलेगी तो फ्रेंड्स मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस एग्जाम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम टेंथ ऑफ जनवरी तो दस जनवरी से चौबीस जनवरी तक आप अपने मार्क्स भी इसमें देख सकते हैं बाकी रिजल्ट था जो डिक्लेयर कर दिया गया फ्रेंड्स आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही धन्यवाद